अस्सलामुअलैकुम। अक्सर ही हम फल खाने के बाद उनके बीजों को फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है फलों से ज्यादा उनके बीज भी फायदेमंद होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा फल है कि जिस फल से ज्यादा उसके बीज फायदेमंद है। दरअसल आप जानना चाहते हैं कि वो चीज कौन सी है, तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को आप जरूर देखें। दोस्तों जिस फल की मैं बात कर रहा हूँ वो है पपीता यानी पपैया। क्या आपने कभी सोचा है कि पपीते से ज्यादा उसके बीजों के फायदे हैं? दरअसल दोस्तों पपीता एक ऐसा फल है जिसे खाने के साथ साथ इसे स्किन पर भी लगाया जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में मिलने वाले बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आजकल पपीते का इस्तेमाल हो रहा है और हम उन प्रोडक्ट्स को बहुत ही शौक से खरीदते हैं, बहुत ही महंगे दामों उनको खरीद कर उनका फायदा उठाते हैं। लेकिन वही पपीता आपको आसानी से सस्ते में मार्केट में मिल जाता है। अगर उस पपीते का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाया जाए तो आप अपने चेहरे के पिंपल्स को, रिंकल्स को, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है। लेकिन हम लोग पपीते का इस्तेमाल करते ही नहीं है। कुछ लोगों के बीजों का इस्तेमाल करने से इंसुलिन की प्रोडक्शन में हमारी पेंक्रियाज को हेल्प मिलती है। जैसे ही हमारी बॉडी में इंसुलिन के हार्मोन्स बढ़ते हैं वैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप लगातार 3 महीने इस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डायबिटीज की दवाई खानी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर्स की बात मानकर उन दवाइयों को खाते रहेंगे तो वो दवाइयां आगे चलकर आपको बहुत सी और बीमारियां दे सकती हैं। क्योंकि अगर आप उन दवाइयों को हर रोज खाते हैं तो इससे आपको लिवर और किडनी फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। डायबिटीज में आपने अक्सर ही देखा होगा कि डॉक्टर कहता है वक्त गुजरने के साथ साथ आपका जिस्म कमजोर होगा क्योंकि आपको डायबिटीज है। लेकिन ये बात सच नहीं है। आपका जिस्म डायबिटीज की वजह से कमजोर नहीं हो रहा, लेकिन आप जो डायबिटीज को खत्म करने के लिए दवाइयां खा रहे हैं वो दवाइयां इतना साइड इफेक्ट करती हैं कि आपका जिस्म वक्त के साथ साथ कमजोर हो रहा है। तो जितना हो सके अपनी डायबिटीज का इलाज अपने घर में करें, बिना दवाइयों के करें, ताकि आपका जिस्म आगे चलकर सेहतमंद हो, आपको आगे चलकर कमजोरी का सामना न करना पड़े। इसके पपीते के बीजों में बहुत सारा विटामिन ई होता है। आप चाहें तो पपीते के बीजों के पाउडर का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं। इससे आपको पिंपल्स, रिंकल्स, दाग धब्बे और इन सारी प्रॉब्लम्स में आराम मिलेगा। तो देखा आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अलग निगेबान।